कल शाम को वार्नर ब्रदर्स एंड लेजेंडरी पिक्चर की तरफ से यूट्यूब पर एक बम आकर गिरा जिसका नाम है गॉडजिला इंटू कॉन्ग। मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर के टाइटल अनाउंसमेंट टीजर का, जो कि डायरेक्ट सीक्वल होने वाला है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का। एंड मैं बम इसे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल इसके अलावा 2-3 मूवी के ट्रेलर और भी आए थे, लेकिन उन मूवीज के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता था, लेकिन इस मूवी के बारे में मुझे तो क्या विकिपीडिया को भी नहीं पता था, क्योंकि अभी 3 घंटे पहले विकिपीडिया ने इस मूवी का नया पेज बनाया है। एंड उसी विकिपीडिया के पेज पर 2-3 ज्ञान की बातें लिखी थी जो कि शायद आपको भी पता होनी चाहिए। तो ये मूवी मॉन्स्टरवर्स के फ्रेंचाइज की 5वीं मूवी होने वाली है। एंड इसके साथ ही ये गॉडजिला के फ्रेंचाइज की 38 फिल्म होने वाली है, जबकि किंग कॉन्ग के फ्रेंचाइज की ये 13वीं मूवी होने वाली है। डर है कि कहीं सच में इस मूवी का 13वीं ना हो जाए। तो गॉडजिला एंड कॉन्ग दोनों को जितना लड़ना था, जितना दोनों को एक दूसरे पर भड़ास निकालना था, वो पिछली फिल्म में निकाल चुके हैं। एंड इसीलिए इसके सीक्वल के नाम में से VS को हटा दिया गया एंड कुछ नहीं मिला तो फास्ट एक्स से इंस्पिरेशन लेते हुए एक्स रख दिया गया है, या फिर इसका नाम रखने वाले को अपने किसी एक्स की याद आई होगी। एंड टुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी इस लाइन से मोटिवेशन लेते हुए अपनी एक्स को इन दोनों के बीच रख दिया होगा। अब 1 मिनट के लिए अपनी आंख बंद करो एंड सोच के देखो कि उसका क्या हाल होगा। तो बकवास बहुत हो गया था इसके टीजर पे। तो टीजर शुरू होता है इस नए टाइटन के सीन से जो कि एक थ्रोन पे बैठा हुआ है। एंड इसे थ्रोन पर बैठे देख पहले तो लगा कि ये कॉन्ग है, लेकिन ध्यान से देखने से पता चलता है कि इतना पतला हमारा कॉन्ग नहीं हो सकता, ये टाइटन कम एंड ये टी ज्यादा लग रहा है। तो इसके पतले होने से इसे कमजोर मत समझना, क्योंकि जब कैमरा जूम आउट होता है तब हम इसके सामने बहुत सारी हड्डियों को देख सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत सारे दूसरे टाइटन का होगा। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है 2 सर जो कि एक गॉडजिला का है दूसरा कॉन्ग का, क्योंकि दोनों के सिर को आप अपने अपने रिस्पेक्टिव कलर में देख सकते हो। तो क्या इसका मतलब इसने गॉडजिला एंड कॉन्ग को मार दिया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस टीजर से हमें इतना तो पता चल जाता है कि ये इस मूवी का विलन होने वाला है, जिससे लड़ने के लिए एक बार फिर से गॉडजिला एंड कॉन्ग को टीम अप होना पड़ेगा। एंड टीजर में जिस तरह से इसकी आंखें चमकती हुई दिखाई गई है, उससे तो लगता है कि ये दोनों पर भारी पड़ने वाला है। तो फिल्म में क्या क्या देखने को मिलेगा ये हमें टीजर से नहीं पता चलता है, लेकिन इस टीजर के डिस्क्रिप्शन में जो लिखा है उससे हमें फिल्म के बारे में आइडिया लगता है, जिसके अनुसार ये नया विलेन अचानक से आ खड़ा होगा जो कि इंसानों के साथ साथ गॉडजिला एंड कॉन्ग दोनों के लिए खतरा होगा। एंड इसीलिए ये दोनों टीम अप करके इससे लड़ेंगे। इसके साथ ही इस मूवी में इन टाइटंस के ओरिजिन के बारे में और भी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। एंड इसके साथ ही स्कल आइलैंड की मिस्ट्री के बारे में भी हमें पता चलेगा। इसके साथ ही अभी तक पिछले मूवी में हमें इन टाइटंस के बीच पुराने समय में हुए युद्ध को जो टीज किया गया था, उसे इस मूवी में अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड इसके साथ ही कई नए सारे टाइटंस को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि अभी ये लोग मॉन्स्टरवर्स को बहुत लंबा खींचने वाले हैं। अभी के लिए इस मूवी के रिलीज डेट को 15 मार्च 2024 रखा गया है, यानी कि अभी रिलीज होने में 1 साल का टाइम है। एंड इस मूवी को वही डायरेक्ट करे हैं जिसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को डायरेक्ट किया था, यानी कि एडम विंगार्ड। तो अभी इसका टीजर या ट्रेलर आने में टाइम है, तो कॉन्ग एंड गॉडजिला को बड़े पर्दे पर देखने में फिर से मजा तो आएगा। एंड इसके लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तो ये टाइटल अनाउंसमेंट आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।